जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कमांडो मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र, आज आपके सामने जो खड़ा हूँ, 11 गोलियां खा के जो खड़ा हूँ, और उसकी छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ। मणिपुर में हिफाजत 1 मैंने किया था, उसके बाद हिफाजत 2 जो 2005 में शुरू हुआ था। बाद 6 दिन लगातार चलने के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचा। कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी खबर है, अपने ट्रूप को तैयार कर और ऑपरेशन के लिए निकल। कितने बंदे लेके जाएगा, थोड़ा सा मुझे ब्रीफिंग तैयार करके मुझे थोड़ा बता देना किस प्रकार के जाएगा, कैसा करें, बैटल लोड होगा। मैंने अपने जवानों को बताया, जो भी कमांडोज है मेरे साथ आने वाले, कोई मैं पूछा, कोई आने वाले जितने भी है कमांडो, मुझे वॉलेंटियर चाहिए, और वॉलेंटियर जितने भी कमांडो आए उनको मैंने बिल्कुल ब्रीफिंग दी, ऐसे ऐसे इतने टाइम पे हमने चलना है, इतना हथियार जो गोला बारूद है उतना लेके चलना है, क्योंकि 7 दिन का ऑपरेशन है, पूरा बैटल लोड होगा। हमने कोई गांव में नहीं जाना है, गांव के बाहर से अवॉइड करना है, और पूरी चलना जो भी है वो पूरा रात को चलना है, क्योंकि दिन में चलोगे तो आपका सरप्राइज लॉस होता है। सरप्राइज ऐसा लॉस होता है कि उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, लेकिन वॉकी टॉकी लेके कुछ उनके जो आतंकवादी जो है किसी गांव में बैठे हुए होते हैं, जब गांव से चलोगे तो कुत्ते भूकेंगे या ऊपर उड़ने वाले पंछी आपको आपको डिटेक्ट करते हैं कि ऊपर उड़ने वाला जो क्या बोलते हैं, चील बोलते हैं या कौवे बोलते हैं, वो आपको आप कहां पे चलते हो आपके ऊपर घूमते हैं और वो आपको डिटेक्ट करते हैं। तो फिर उनको अवॉइड करके सिर्फ रात को चलना है, अगर रात को चलोगे गांव में जाओगे तो आपको कुत्ते उसके ऊपर भूकेंगे, तो आपका सरप्राइज लॉस हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम वहां से निकले, और 7 दिन के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचा। टारगेट पे पहुंचा, उधर की सिचुएशन देखी, बहुत ज्यादा बारिश, और इतनी बारिश है कि जहां पे बादल आके उधर जम जाते हैं, इतनी हाइट पे हम पहुंचे। और ऐसे बारिश में हम वहां पे पहुंचने के बाद थोड़े अपने साथियों को सबको अपने अपने आर्ट लेके बैठने के लिए बोला, और फिर फोटोस्कोप निकाला, जो बड़ा वाला जो बाइनोकुलर से वहां से रेखी की, क्योंकि आगे वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि धुंध आके पूरा बंद हो गया था, आगे दिखना ब्लैकआउट हो गया था। तो फिर ऐसे में मैं क्राउलिंग करके एक घर के पास पहुंचा, वहां पे देखा कि एक घर के ऊपर 3 फ्लैग लगे हुए थे, और उन 3 फ्लैग का मतलब होता है कि वहां पर 3 कमांडर जो है वो बैठे हुए थे। और उन कमांडरों को अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं उसके अंदर जाऊं तो थोड़ा सा खतरा हो सकता था, मैं वहां से दोबारा क्राउलिंग करके वापस अपने जगह पे आने के लिए निकला। तब तक क्या हुआ कि ऊपर से एक आतंकवादी मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ा, उसने मुझे देखा नहीं, बारिश हो रही थी, उसने रेनकोट पहना हुआ है और पूरा पंचू लगा के वो आगे की तरफ चल रहा है, वो मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ चला गया। लेकिन क्या हुआ था कि जब आप घास में चलोगे तो घास आपको रास्ता बनाती है, तो वो रास्ता बन गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं क्राउलिंग करके आया था, जब सांप भी निकलते हैं ना किसी घास में तो आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार का वो रास्ता बनाता है, ऐसा ही जब मैं आया था तो उस टाइम पे उधर वो घास का रास्ता बन गया। तो वो जब मुझे क्रॉस करके गया था, मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि अगर इसने मुझे देखा कि इधर से एक नया रास्ता कहां से बन गया, तो हो सकता है कि शायद ये पीछे की तरफ मुड़ के मेरे ऊपर फायर करे। तो जैसे मैंने दोबारा यूटर्न किया और उसके पीछे गया, उसका गर्दन दबाए और कुकरी निकाल के उसको काट दिया और उधर ही उसको साइलेंट कर दिया। इसको बोलते हैं सेंट्री साइलेंट। उसको जब तक वो तड़प तड़प कमर में लगाया उसको घुटना और गर्दन ऊपर, क्योंकि जब गला कटता है ना तो उससे आवाज नहीं आती, सिर्फ हवा आती है, आवाज नहीं आई। जब तक वो तड़प तड़प उसको, जब तक उसने अपना पूरी जान नहीं छोड़ी, उसके बाद इधर के गर्दन काट दी, उसकी नस पूरा खून से निकल गई, बारिश हो रही है ऊपर से और उसकी वजह से उसको कोई आवाज नहीं आई। जब वो बिल्कुल साइलेंट हो गया उसके बाद मैं दोबारा अपनी जगह पे आया और मेरे कमांडोस को बताया कि मैं अभी इस घर में जाके ग्रेनेड डालूंगा, और जब ग्रेनेड डालूंगा तो, क्योंकि उसके अंदर आतंकवादी उनके मेन कमांडर जो है वो बैठे हुए है, और शायद क्योंकि वहां से ही पूरी कमांड हो रही है,
ऊपर एंटीना लगे हुए है और जितने भी वायरलेस सेट है वो वहां से कमांड हो रही है कि कैसा क्या क्या करना है। और दोपहर 12:30-1 बजे का टाइम है और खाने का वक्त भी हो रहा है और ऊपर से उनको भूख लगी है क्योंकि लंगर भी उनके बगल में ही है, उनका जो खाना बनता है वो। तो वो मैं अपने साथियों को बोला और फिर मैं ग्रेनेड तैयार करे और उधर क्राउलिंग करके वहां पे पहुंचा और ग्रेनेड अपने उस घर के अंदर दाखिल किए और क्या 10-12 सेकंड के अंदर वो ग्रेनेड फटता है। उधर ग्रेनेड डाले, तुरंत मैं अपने आर्ट लेके बैठ गया और एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसके अंदर 8 कमांडर्स बैठे हुए थे, 4 मतलब 3 फ्लैग थे, मतलब 3 कमांडर्स और उनके सहायक जो उनके साथ में जो खाना खिलाने वाले कोई रेडियो को ऑपरेटर उसके अंदर जो भी थे वो पूरे के पूरे ढेर हो गए वहां पे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा ही बड़ा ब्लास्ट हुआ मेरे साथियों ने एक सभी ने एक ब्रस्ट किया उस घर के ऊपर कि अगर घर से कोई जिंदा हो तो बाहर निकलेगा और जैसे अगर बाहर निकलेगा तो अगर मारना है तो दरवाजे के ऊपर पूरे सभी ने एम लेके बैठे थे। जैसे ही बाहर से मतलब अंदर से कोई बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर फायर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ था कि जब भी अंदर जो पड़े उनके खाने का टाइम था, एक कट्टे बैठे हुए थे वो सब और सबके सपोर्ट ढेर हो गए थे। और उसके बाद 1 मिनट का जो फायर हुआ उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंट, पूरी एरिया में आवाज घूम रहा था चारों तरफ क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां है और आवाज घूमता रहा। तो आतंकवादी को ये लगा कि ये कुछ हमारे अंदर कुछ थोड़ा ब्लास्ट हुआ है और कुछ ना कुछ हुआ, इसलिए वो इतना बड़ा धमाका हुआ, कोई एमिनेशन में कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ है। तो वो देखने के लिए एक 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 आतंकवादी जो बाहर बैठे हुए थे वो आने लगे। जब आने लगे तब तक मेरे जितने भी साथी थे पूरे 8 लेके बैठे हुए थे जमीन के अंदर, मतलब अंडरग्रोथ है, कमर इतनी घास है और वहां पे जब जब आते रहे और एक एक कमांडो जो है मेरा हेडशॉट ले रहा था सबको। और ऐसे में हमने टोटल 37 मिलिटेंट किल करे थे जो मेरे साथी जो थे और मेरे नाम पे जो थे वो ये अंदर वाले 8 जो कमांडर थे वो हमारे नाम पे लिखे गए। और जैसे ही जो आता रहा उनको एक एक को मारते रहे, सारी रात ये कहानी चलती रही। लेकिन क्या हुआ कि दुर्दैव ऐसा हुआ कि मेरे एक साथी को गोली लगी क्योंकि ब्लैकआउट हुआ तो उसको पता नहीं चला, वो इधर उधर घूमते घूमते उस जो आतंकवादी का जो एक बैठा हुआ था आर्ड लेके घात लगा के बैठा था उसके पास पहुंचा तो उसने उसको गोली मारी उसको एडी में गोली लगी टाच में और वो वहां पे गिरा। उसने बोला सर मुझे गोली लगी है और मैं गिरा हूं यहाँ पे। तो मैं बोला कि क्योंकि ब्लैकआउट था पूरा, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली तुम्हारी साइट कहाँ पे थी। तो मैं उसको बोला कि तू एक ब्रश्ट कर ले, ब्रश्ट मतलब ऑटोमेटिक फायर कर, डबल टैप टक टक की आवाज कर ताकि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि तू इस जगह पे बैठा हुआ है, इधर गिरा हुआ है। तो फिर मैं उसने मुझे एक इशारा दिया और मैं वहां पे पहुंचा और उसको उठा के वापस लेके आ रहा था। तो उस आतंकवादी को मालूम था कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा। उसने जब मैं उठाने तक उसने कुछ नहीं किया और जैसे ही उठाया मैंने उसको कंधे पे, मतलब उसका हाथ मेरे कंधे पे लिया और चलने के लिए शुरू हुआ तब तक उसने ब्रश्ट किया, एक ऑटोमेटिक फायर किया और उस ब्रश्ट में AK-47 में 30 गोलियां आती है, 30 गोलियां आती है और जब ऑटोमेटिक में करोगे तो 1 मिनट में पूरा निकल भी जाती, आपको पता नहीं चलेगी इतनी इतनी जोर से ब्लास्ट निकलता है। लेकिन वो जैसे मैं उधर पे पहुंचा तो उस गोली से उसने 7 गोलियां मेरे दाएं पैर में लगी, लेफ्ट पैर में, और पूरी हड्डी निकाल के लेके गई, कुछ नहीं बचा उसमें, सिर्फ मांस वास बच गया और मैं तुरंत जमीन पे आ गया, मतलब घुटने के बल नीचे टिक गए, पता नहीं चला क्योंकि ऐसा लगा कि एक चिट्टी ने काटा है कुछ और यह पूरा पैर गायब। जमीन पे लेटा तब तक उसको मालूम चला कि बोला इसके कंधे से ये उसका साथी गिर गया और इसको अभी ये शायद मर गया होगा, इसको गोली लगी है। फिर दोबारा वो खड़ा हुआ और उसने सेकंड ब्रश निकाला, एक 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के अंदर ये सब कुछ हुआ। उसको दोबारा खड़ा हुआ, उसने सेकंड ब्रश निकाला, मेरे राइट पैर में 2 गोलियां लगी, हड्डी पूरी टूटी और कमर में आके मिली और मैं घुटने के बल हो गए।
अभी उसको पता चला कि अभी ये मर गया होगा, दोबारा वो खड़ा हुआ और अभी आ गया 10 फुट के ऊपर, आंखों में आंखें डाल दिया मेरे और उसने मेरे ऊपर ब्रश किया, ब्रश किया, पेट में 2 गोलियां लगी और मैंने लुढ़कते साइड में हो गया, क्योंकि जब जमीन पे आप मिलोगे ना तो जमीन में गोली नहीं लगती, जमीन पकड़ोगे तो ऊपर से जब भी गोली मारोगे आप करवट बदलते रहोगे तो गोली नहीं लगेगी इसमें। तो उसने और एक ब्रश निकाला, मेरे 2 गोलियां पेट में लगी आतड़िया बाहर, तब भी वो चुप नहीं बैठा। अभी आ गया 5 फुट के ऊपर, आंखें में आंखें डाल रहा है, वो देख रहा है मुझे, मेरी जीवन संगिनी जो मेरा हथियार है वो मेरे हाथ से गिर गया नीचे राइट साइड में, वो मेरे ऊपर आ गया देख रहा है वो, और उसने एम लेके अभी बोला मेरा कुछ शायद हेड शूट करता हो। मैंने जैसे ही हाथ बोलते ना कि जागोरा का सही या मार सके ना कोई, जो ऊपर वाली माँ जो है ना चेहरा वाली माँ, उसका नाम लिया, हाथ पे हाथ जहां पे डाला उधर उन्होंने मेरा हथियार दे दिया और मैंने जैसा था वैसा उसके ऊपर तान दिए, कोई एम नहीं लिया, उठाया और ट्रिगर दबाया, जितने भी गोलियां थी उसको नीचे के ऊपर, क्योंकि 10 के ऊपर मतलब एम लेने का कोई जरूरत नहीं थी, जैसे ही मिली उसके ऊपर मैंने तान दी और ट्रिगर दबाया, और जब बंदूक चलती है ना तो ऐसी जब नीचे की तरफ भी मारोगे ना तो ऐसा ऊपर की तरफ होती है, जब आपको जब मारना होगा तो आपको आप साइड लेके अगर जब मारोगे तो आपको बंदूक उसी टाइम में मिलती है, लेकिन सिंगल हाथ से मारोगे तो जमीन पे मारोगे तभी वो ऊपर चली जाएगी। और मैंने उसके ऊपर जो तानी उसको ट्रिगर लगाया नीचे से ऊपर तक उसको पूरा हट गया ऐसा पूरा ऊपर की तरफ। वो गिर के उधर से गिर के पास के ऊपर था गिर के वो मेरे पास ही आया, उसको हेड शूट किया, फिर मैंने अपने कमांडर को बताया, कमांडर मतलब सीओ सबको बताया मैंने कि सर मुझे गोली लगी है, साथ में मेरे साथी को भी गोली लगी है, दूसरे कमांडो को गोली लगी है, तो बोला डरने की बात कोई नहीं है बच्चे, मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। तो इम्फाल से उन्होंने हेलीकॉप्टर भेज दिया, इम्फाल से हेलीकॉप्टर भेजा, हेलीकॉप्टर भेजने के लिए उसने 3:30-4 बजे के करीब हेलीकॉप्टर आया, लेकिन मौसम ऐसा खराब हुआ कि आगे कुछ दिखने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल ब्लैकआउट, नीचे इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से ब्लैक उनके बादल बादल उधर आके चिपक जाते थे, इतनी बड़ी हाइट थी उस पहाड़ी की, और बादल उधर आके चिपक गए, ऊपर से हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, नीचे कुछ दिखने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर ये 4 बजे की बात, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5-6 बजे के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा आगे, इतना बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा, और हम तो इतने बड़ी ऊंची पहाड़ी पे थे और ऊपर से बारिश हो रही है, और उसमें जब मुझे बारिश में जब हेलीकॉप्टर ने आया और उसने बोला कि सर हम इनको नीचे की तरफ डाउन नहीं कर सकते, आप उनको सेफ जगह पे लेके आ जाओ, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा है कि एक्चुअल आपकी साइट कहाँ पे है। तो फिर हेलीकॉप्टर वहां से हेलीकॉप्टर के ऊपर आतंकवादियों ने फिर फायर किया, जैसे वो टक 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 मतलब आवाज आने लगी तो बाहर जितने भी आतंकवादी बैठे हुए थे उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर किया। हेलीकॉप्टर के जो कमांडर अंदर बैठे हुए थे उन्होंने बोला सर हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते, फिर इनको सुबह तक बचा के रखो, हम सुबह आ जाएंगे और इनको ले जाएंगे। सुबह 7 बजे तक वो आना था उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट लाइट होती है, उजाला बहुत जल्दी होता है उधर, 5 बजे उजाला होना शुरू हो जाता है, और 7 बजे तो बिल्कुल आप इधर के 10 बजते हैं वहाँ पे 7 बजने वाला वैसा वाला माहौल बन जाता है, पूरा सूरज ऊपर तक आ जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर वहां से निकल गया शाम के 7 बजे, फिर ब्लडिंग इतनी हुई कि मतलब दर्द ज्यादा होने लगा, और ब्लडिंग होते होते फिर ऐसा लगा कि आवाज कानों में गूंजने लगी, कुछ तो हो रहा है शरीर में। जब फिर मेरे को मेरे साथी ने एक सेफ जगह पे लेके गए, एक कुंड मतलब नाले में लेके गया, और नाले में जो बहता हुआ एक पेड़ जो टूटा हुआ होता है और किसी आके में पत्थर को आके वो चिपक जाता है और वो ठहर जाता है वहां पे, मुझे वहां पे वो लेके गए, मेरे बदन के पूरे कपड़े निकाले, चेक किया कहाँ का क्या हुआ है, पूरी आतड़िया पूरी बाहर निकली हुई थी, वो पूरा जो मैगजीन लगा के रखा था पेट के पास से इधर वो पूरा निकाल दिया, सेफ जगह पे मतलब नाले में लेके गए, और फिर मुझे बोला कि आपने अभी सोना नहीं है, सोओगे तो खोओगे। फिर उसने क्या किया, फिर राइट वाला पैर था वो पूरा जब मतलब पीछे की तरफ कमर को मुड़ गया था पीछे की तरफ, उधर की लकड़ी काटी, मेरे जूते की लेस निकाली और
वो पैर को मेरे को सीधा किया बिल्कुल और बांध दिया। लेफ्ट पैर में सिर्फ मांस बचा हुआ था, उसकी पेंड्री के नीचे वाला पूरा हिस्सा वैसा के वैसा था, सिर्फ पेंड्री और घुटने के थोड़ा सा नीचे ये पूरा हिस्सा गोलियां लेके गई थी, कुछ नहीं बचा था उसमें, तो सिर्फ मांस मांस सिर्फ बचा हुआ था, हड्डी पूरी निकाल के लेके गई गोलियां। और ऐसे में एक था कि ब्लडिंग नहीं रुक रही थी, उसको बांध नहीं सकते थे क्योंकि जब भी बांधोगे तो ये मांस आड़ा आ जाता था और जो कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था उसमें पूरी मतलब हड्डी का चूरा चूरा हो गया था। तो निकल फिर मेरे साथियों को मैंने बोला कि इसको काट और फिर उसको बांध दे ताकि कम से कम जान तो बच जाए, क्योंकि अगर ब्लड लगातार बहते रहेगा और बांधने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है तो हर 15-20 मिनट के बाद वो मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन देता था कि तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए। और ऐसे में वो जब पूरे दर्द मतलब तो इतना सहने की ये हो गई थी कि बोला सहते रहो मुंह से आवाज निकालोगे तो शायद बाहर से कोई अगर सुनेगा आपको तो वो जोर से नहीं चिल्ला सकते क्योंकि मेरे ऊपर मेरे साथियों के जवाबदारी मेरे ऊपर थी, जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी कि अगर मैं रो पड़ूंगा तो लड़ने वाले वो बोलेंगे तो हमारा कमांडर ही नीचे गिरा हुआ है तो हम क्या करेंगे। तो फिर उससे ये पिता की लीडरशिप क्या होती है उस टाइम पे हमें पता चली, बोला लीडरशिप क्या ऑफिसर क्या होता है क्योंकि उसके अंदर वो होता है वो मादा है, वो दिखाता है कि मैं कमांड करता हूँ, किस लिए कमांड करता हूँ, कैसे कमांड करता हूँ। इतना होने के बाद अगर मेरे ऊपर अगर मेरे बच्चों को वो मेरे बच्चे उनको उनकी सबकी जिम्मेवारी मेरी है, जैसा मैं इनको लेके आया हूँ वैसा ही उनको सही सलामत मेरे कैंप तक मैंने पहुंचा रहा है। जब ये हो गया उसके बाद में मेरे साथी को बोला भैया इसको काट और इसको फर्स्ट एड कर ले, बोला सॉरी सर मैं नहीं इसको काट सकता। तो जिस कुकरी से मैंने आतंकवादी का सिर काटा था जो मेरी कुकरी थी कमांडो टाइगर बोलते हैं उसको, उससे ही मैंने मेरा पैर घुटने से अलग कर दिया और फिर उसको बोला बांध, फिर उन्होंने बांधा उसको और ब्लडिंग रुकी, ब्लडिंग इधर से रुकी लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे साथ लेता हूं तो आतड़िया बाहर निकलने लगी क्योंकि एक एक जगह ठीक हो रही है तो दूसरी जगह कोई बढ़ रहा है क्योंकि और मांस में क्या होता है थोड़ा सा थोड़ी सी भी जगह अगर निकल गए ना तो जैसा जितना स्वास्थ्य लोगे उतना वो फटते रहेगा और आतड़ियों को क्या हुआ थोड़ा सा जगह मिल गई वो बाहर की तरफ आना शुरू कर दिया और जो बुलेट थी वो पेट में ही रही, बुलेट पेट में रही वो ऊपर की तरफ चढ़ती रही, पूरा बुलेट था वो जैसा जैसा सांस ले रहा हूं वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है और ऐसी वो पीठ की तरफ से ऊपर की तरफ आने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ दौड़ रहा है, कुछ हो रहा है अंदर। और ऐसे में मेरे साथी ने बोला सर आपके पेट के जो अंदर है उसको बाहर निकलने के लिए आपका ऑपरेशन में जब लेके जाएंगे तब होगा ये निकल के, क्योंकि बाहर नहीं निकली है, बाहर किधर भी आपको ये नहीं किया है मतलब बाहर निकलने के लिए आपको पता चल जाएगा कि इधर से जब गोली लगती है ना तो जहां पे लगेगी वहां से छोटा सा एक निशाना होगा लेकिन जब बाहर निकलते तो इतना बड़ा गोश्त मांस निकल के लेके जाती है और लगने के लिए बुलेट तो इतना ही होता है लेकिन जब निकलता है तो बड़ा इतना हाथ भर पूरा निकल के लेके जाता है लेकिन वो गोली अंदर ही रही, दर्द होने लगा। जब उसने मेरे साथी ने क्या किया कि उधर मेरी बनियन निकाली और फर्स्ट एड का हमारे साथ इक्विपमेंट है उन्होंने अपने पेट पे रखा और जैसे आतड़िया मतलब बाहर निकले थे उसको पानी से धोया और उसके ऊपर फर्स्ट एड बांधा और उधर ही बांध के कच मतलब फिट करके उधर मुझे वो नाले में बिठा के रखा। सुबह ये सारी रात ऐसा ही चलता रहा और फिर मुझे पता चलने लगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि जब ठंड लगने लगी कान से आप से खून निकलने लगा और आवाज जो है डबल आने लगी उस टाइम कि कौन क्या बोल रहा है पता नहीं लग रहा है लेकिन आवाज आ रही है। जब आपने मुझे अगर कुछ बोल दिया सर सर करके पूछ रहे हो तो आवाज डबल आ रही है, मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मुझे ही आवाज मेरी सुनाई दे रही है। और ऐसी सारी रात वहां से मैंने निकाली। अगले सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर आया और वहां से मुझे लेके इम्फाल में लेके गए। इम्फाल में मेरे कमांडिंग ऑफिसर वहां ही खड़े थे और क्योंकि वो रात भर रेडियो सेट के ऊपर जो रेडियो आपका वॉकी टॉकी है रेडियो सेट है वहां पे वो हमारे से बिल्कुल संपर्क में थे और वो सारी रात वो भी सोए नहीं, वो लगातार पूरा समाचार सुन रहे थे हम जो भी बोल रहे थे किसको किसने कहां पे जाना है
और कमांड वहां से चल रही थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और पूरी रात लड़ते रहे और उस रात हमने 37 मिलिटेंट किल करे। सुबह 7 बजे जब मैं इम्फाल में पहुंचा, इम्फाल में पहुंचने के साथ मेरे सीओ साहब उधर खड़े थे। सीओ साहब ने मेरा नाम भी पूछा, बोला तुझे पता है तू बोल सकता है, घर में बात करेगा? बोला जी सर। अभी घर में बात करने के उन्होंने तुरंत घर में नंबर लगाया और उस टाइम पे मेरे घर में फोन नहीं था, एसटीडी पे आना पड़ता था। एसटीडी वाले को बताया सर, 95 की बात बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल का आविष्कार हुआ था, पेजर चलते थे, तो साइड वाले को बता दिया कि घर में कि उनको बोलता ना कि 5 मिनट के बाद दोबारा फोन आएगा, आपसे बात करनी है। तो फिर मेरी वाइफ वहाँ पे आई और मैंने दोबारा फोन लगाया और उनको मैंने वाइफ को अपने बताया कि मुझे फुटबॉल खेलते समय थोड़ा सा चोट आई है, अगले 5-10 दिन के लिए मैं आपको फोन नहीं करूंगा या तो लेटर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं शायद एडमिट हो जाऊंगा। तो इतना बोल दिया, तुरंत मैंने फोन कट कर दिया और मुझे ओटी में लेके गए, ओटी में लेके गए। लेकिन जैसे ही अंदर ओटी में जाने से पहले, आर्मी में एक रूल है कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो ना, उस टाइम पे तुरंत उन्होंने 3 टेलीग्राम बनाए, टेलीग्राम भेजे घर के लिए कि एक एब्डोमिनल में गोली है, दूसरा लेफ्ट पैर में एम्पूट है और तीसरा राइट पैर में गोली है, गनशॉट वुंड हुआ है, और ये भेजा घर के लिए, 3 रवाना कर दिए टेलीग्राम। अगले दिन टेलीग्राम मिले और मुझे वहां से जैसे ही मेरे पेट की गोलियां निकाली और तुरंत मुझे 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए भेज दिया गया। गुवाहाटी के लिए जब भेजा तो गुवाहाटी में भी वही जैसे उधर खड़े होता हूँ, तुरंत वहां के कमांडर थे ब्रिगेडियर रामचंद्र, वो उधर खड़े थे। उन्होंने पूछा, हाँ बच्चे तू बात कर सकता है, अभी मुझे बता सकता है कैसे कैसा हकीकत हुई? सब मैं उनको बोला सब मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे ही सिर्फ पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि आवाज और शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तो बोले फिर मुझे तुरंत ओटी में लेके गए और दोबारा गुवाहाटी ने क्या किया, दोबारा 3 टेलीग्राम बनाए और घर के लिए रवाना कर दिए और मैं ओटी में चला गया। उसके बाद मैं बेहोश होता, कम से कम 7 दिन तक मैं कोमा में रहा, मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या है, रात दिन का कुछ मतलब वो मेरे जिंदगी के वो तो ब्लैक डे थे, मुझे पता नहीं, वो माइनस हो गया था सब कुछ पता नहीं। घर वाले आए थे 5वें दिन और कोई किसी को मतलब मैंने देखा नहीं उनको। तो फिर वहां से क्या किया कि मेरे पेट की गोलियां निकाली और आतड़िया जो थे आर्टिफिशियल कर दी, लेफ्ट पैर में जो गोली लगी थी उसको एम्पूट करके बिल्कुल जितना बचाने की कोशिश करी डॉक्टर साहब ने और मुझे बचाया, और राइट पैर में हड्डी जो मेरी कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था वो पूरी घुटने से और नीचे वाली टाच के तक वो जो हड्डी है पूरा रॉड डाल के उसको सीधा किया और मांस निकाल के इसका उसको लगा के उसको आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ।